पीछे बस बस छोड़ दो सीधा सीधा सही से पकड़ो भाई सामने देखो सामने देखो ना दूसरा फोटो लेंगे हम लोग सरकार मुर्दाबाद कर्नाटक सरकार मुर्दाबाद कानून वापस लो यही छापेगा। अरे यार तुम वीडियो को देख रहे हैं उसमें
सकता, बस इतना कहना चाहेंगे। संविधान जो फैसला आया उस पे क्या करेंगे? हम लोग इंतजार कर रहे हैं सोमवार का फैसला आएगा। हम लोग के हक पे नहीं आया, हम देना होगा तो जान भी देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जांच के लिए और ये इसकी वजह आप जानते हैं कि कर्नाटक में जो वाकया पेश आया है उसके खिलाफ हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। देखिए, एक तरफ तो ये ऐलान किया था कि बेटी को पढ़ाओ है ना, बेटी बचाओ, दूसरी तरफ ये ऐलान किया जाता है कि सबका विकास सबका साथ। ये कैसा विकास है कि मुसलमान को अपने मजहब के आइन के हक के लड़ने के लिए, उसकी अपनी मजहबी आज़ादी के लिए उसको खुल के रहने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई गैर मुस्लिम माथे पे कशका लगाए, हाथ में वो अगर जिन्नूर पहने, हाथ में धागा बांधे, उसको इजाज़त होती जाने के लिए, लेकिन मुसलमान तालिबा अगर वो अपने चेहरे पे हिजाब डाल के कॉलेज में जाए तो उसको मना कर दिया जाता है। इसलिए हम यहाँ पर मुतालबा करते हैं कर्नाटक की हुकूमत से कि हमारी मुस्लिम तालिबात को हिजाब के साथ पढ़ने की वो इजाज़त दें और उन पर कोई रोकथाम ना करें। हमारे आपसे मुतालबा है, आप हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएँ। और इसलिए सेंट्रल हुकूमत से भी हमारा मुतालबा है कि हमारी बात को आगे पहुँचाएँ। आप लोग किसका पुतला जलाया है? जी, हम लोगों ने कर्नाटक के सीएम का पुतला जलाया है, बम्बई का। तो मैं ये फैजुल्लू मक्का मस्जिद और तमाम अहले जमशेदपुर के नुमाइंदे की हैसियत से मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को, बल्कि इंसानों को, कि हिजाब जो है और बुरका हर एक माँ बहन को जो है अपने आप को ढक कर निकलना चाहिए, क्योंकि मीठी चीज जब खुली रहती है उसमें चींटियां बेहिसाब जाती है, बेहिसाब उसमें लग जाती है, लेकिन वही अगर मीठी चीज को आप रैपर में पूरा लपेट कर रखेंगे तो उस वो चींटी और वो तमाम चीजें उससे नहीं मुंसलिक या नहीं लग पाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने जिनका पुतला जलाया इसलिए जलाया है कि ये आपके सरकार के रहते हुए मुसलमान बेटियों को इज्जत नहीं मिल रही, उन्हें उनके ही कॉलेज में वो फीस दे रही है, वो पढ़ना चाह रही है, उन्हें नहीं किया जा रहा। क्या आपके इसमें ये नहीं है? सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हम लोग जो आर्टिकल भीमराव अंबेडकर ने लिखी थी और आर्टिकल संविधान के दायरे में रहकर जो माएं बहनें अपना हिस्सा मांग रही हैं, अपना जो है हक मांग रही हैं, उसमें पूरा पूरा उनको दिया जाए। आर्टिकल पूरा नाम बताइएगा अपना, लेकर 28 अपना पूरा नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद अली रजा बरकाती, धतकीड़ी जमशेदपुर। मोहम्मद अबू हुरैरा रज़वी मिसबाही, खतीब इमाम फैज़ुल्लू मक्का मस्जिद। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बुनियादी हुकूक हैं और आर्टिकल में आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक जिन बुनियादी हुकूक का जिक्र है वो मजहबी आज़ादी का जिक्र है कि यहाँ पर जो हमारी रियासत है, रियासत का कोई मजहब नहीं होता है। ये हर एक को उसके मजहबी बुनियादी हुकूक के साथ में रहने की इजाज़त देता है। इसलिए किसी भी मजहब के साथ में आप गैर तरजीह सलूक ना करें और किसी को आप टारगेट ना करें, ये आपसे गुजारिश है हमारी। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।